हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुबह 11:30 बजे जब हाथरस में गैंगरेप पीड़ित लड़की के गांव में हमारी संवाददाता प्रतिमा मिश्रा किसी तरीके से खेतों के रास्ते पहुंची। लोग मुझे रोकने आ सकते हैं, सामने पुलिस वाले। यहां तैनात पुलिस टीम से प्रतिमा मिश्रा का एनकाउंटर हुआ। क्या हो गया सर, क्यों रोक रहे हैं आप लोग, किस बात का डर है बताइए। नहीं, डर नहीं। पूछ लेंगे हम ऐसा सुनो मैं बताऊं। पुलिस वालों ने प्रतिमा को गांव में दाखिल होने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन प्रतिमा अड़ी रही। बाधा उत्पन्न कर रही है। बाधा कोई नहीं उत्पन्न हो रही है, आप ऑर्डर दे दीजिए मुझे। नहीं, ऑर्डर 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 दीजिए। और फिर हाथरस पुलिस ने बनाया एबीपी न्यूज की लाइव कवरेज को रोकने का प्लान। हमारे कैमरामैन मनोज अधिकारी का कैमरा रोकने की कोशिश की गई। वहाँ से मैं रास्ता पाएंगे, रास्ता है ना, सब देखेंगे सर। आप लोग आइए आइए प्लीज, मेन रोड से, मेन रोड से ले चलो मैडम, ले चलो इनको, ले चलो। मनोज, अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग, हेलो 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 हेलो, धक्का मुक्की करेंगे, क्या हो रहा है। मनोज अधिकारी की हाथ ही लगाएंगे आप, कैमरामैन को हाथ ही लगाएंगे आप, दूर रहेंगे, दूर रहिए, दूर रहिए, डोंट यू डेयर टच हिम, वो अपना काम कर रहे हैं, दूर रहिए, दूर रहिए, हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने आपको कहा आप हाथ नहीं लगाएंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, हाथ नहीं लगाएंगे। इस बार तो हमारी लाइव कवरेज नहीं रुकी, अब पुलिस वाले हमारी संवाददाता और कैमरामैन को धकेल कर गाँव से बाहर ले जाने लगे। प्रतिमा रिपोर्टिंग कर रही थी कि तभी कैमरे के साथ फिर से छेड़छाड़ हुई। कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए मनोज, ये सच की तस्वीर, ये उत्तर प्रदेश की असलियत देख लीजिए, हाथरस पुलिस की असलियत देख लीजिए, ये हालात है, गिनते जाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। लाइव कवरेज के दौरान हमारे कैमरे का फ्रेम फ्रीज हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये कवरेज फिर से शुरू हो गई। तब तक पुलिस की एक गाड़ी आ चुकी थी हमारी टीम को गांव से बाहर ले जाने के लिए। चलिए, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, पहली बात। हाँ, नहीं नहीं, आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे, आप ठेल, मैम आप कोरोना का डर चला गया, आप क्यों ठेल रही हैं, अभी तो आपको कोरोना का डर सता रहा था। क्या हुआ निधि जी, आप ठेल रही हैं, आप ठेल रही हैं, निधि जी आप ठेल रही हैं, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, आओ आगे पकड़ो, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, क्या कह रही है, मुझे पकड़ के खींच कर बिठाएंगे आप लोग, खींच के बिठाएंगे आप लोग गाड़ी में, क्या हो रहा है मैम, ये क्या हो रहा है, खुद महिला आप इस मामले में इतनी सेंसिटिव कैसे हो सकती हैं? इसके बाद पुलिस वालों ने हमारी टीम के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। महिला पुलिसकर्मी प्रतिमा को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगी। हाथ क्यों लगा रही है आप, क्या हो रहा है, क्यों ठेल रहे आप, निधि जी कोरोना का डर चला गया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये व्हाट इज हैपनिंग, हाथ कैसे लगा रहे हैं आप लोग, क्या हो रहा है, ये कैसे हाथ लगा रहे हैं आप लोग, क्या हो रहा है, मनोज कैमरा बंद नहीं होगा, मनोज कैमरा बंद नहीं होगा। हमारी टीम फिर आगे बढ़ी, प्रतिमा गाड़ी में नहीं बैठी। एबीपी न्यूज सच दिखाता है, कैमरा बंद नहीं करता, बोलिए कहां तक छोड़ कर आएंगे आप लोग, अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे आप लोग, क्या हुआ, अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन पुलिस पूरी गुंडागर्दी पर उतर आई थी। हाथरस पुलिस ने फिर से हमारे कैमरे की तार खींच दी और लाइव प्रसारण रुक गया। निधि जी, निधि जी चलिए, देखिए एक बार फिर से हमारा लाइव फ्रेम फ्रीज हो गया था, लेकिन ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। अब देखिए हाथरस पुलिस ने कैसे गुंडागर्दी की। ये वो तस्वीरें हैं जो सुबह करीब 12:45 बजे लाइव प्रसारित नहीं हो पाई थी। अरे ये क्या किया आपने अभी, क्या किया आपने अभी, व्हाट डिड यू डू, आप ये क्या हो रहा है, मनोज आप दिखाओ, मनोज आप दिखाओ, आप तार नहीं खींचेंगे, छोड़िए इसको, छोड़िए इसको, छोड़िए इसको, छोड़िए तार, छोड़िए तार, इसका बैज दिखाओ, इसका बैज दिखाओ, बैज दिखाओ, जो क्या करेंगे आप, हाथ लगाइए, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ, ये लोग कैमरा की तार निकाल रहे हैं, कैमरा की तार निकाल रहे हैं, ये लोग कैमरा की तार निकाली जा रही है, ये देखिए कैमरा की तार निकालेंगे आप, इधर दिखाइए शक्ल अपनी, कैमरा की तार निकालेंगे, आप हाथ नहीं लगा सकते, आप हाथ नहीं लगा सकते, मना, कीप रोलिंग, हाथ हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, कीप रोलिंग, अरे हेलो, यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जा रही, मेरा फोन छोड़िए, मेरा फोन छोड़िए, मैंने कहा मेरा फोन छोड़िए, फोन छोड़िए, मैं हटूंगी नहीं, मेरा फोन दीजिए, मेरा फोन दीजिए, गिव मी माय फोन, मेरा फोन दीजिए, ये देखिए क्या हो रहा है यूपी में, ये क्या हो रहा है यूपी में, देखिए
रहा है ये, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? आप लोगों ने जो किया है, आप लोगों ने जो किया है, मेरा फोन मुझे वापस चाहिए, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मेरा फोन मुझे वापस चाहिए, फोन लेकर आओ, फोन लेकर आओ, आप मेरा फोन दिलवाएंगे तब मैं गाड़ी में बैठूंगी। पुलिस खुलेआम गुंडागर्दी कर रही थी, हमारे कैमरामैन को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया, संवाददाता प्रतिमा के साथ हाथापाई हो रही थी, उनका फोन भी छीन लिया गया था और उन्हें भी जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश हुई। हम पैदल जाएंगे, चलिए पैदल जाएंगे, चलिए पैदल जाएंगे। इनकी शक्ल ठीक से कैप्चर कीजिए, भाई साहब को बहुत लाइव हटाने की आग लगी हुई थी, इनकी शक्ल लीजिए, कैप्चर हिम। इसके बाद प्रतिमा मिश्रा भी गाड़ी में बैठ गई और बिना महिला पुलिसकर्मियों के गाड़ी चल भी पड़ी। रोको गाड़ी, रोको गाड़ी, गाड़ी रोको, बिना महिला की गाड़ी में बिठाया गया, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। आप क्यों बैठ रही हैं? बिना महिला के गाड़ी में बिठा लिया गया यहाँ भरकर, ये है यूपी पुलिस का रवैया। पहले ठेला गया, कैमरा पर्सन की लाइव यूनिट को छेड़ा गया और उसके बाद बिना महिला के बिठाया गया। और अब देखिए खानापूर्ति, अब आ रही है महिलाएं, अब आ रही है सवाल उठाने के बाद महिलाएं, ये देखिए तस्वीर, यूपी पुलिस और इनका रवैया। पहले गाड़ी में ठूस लिया जाता है जबरदस्ती इन महिला सिपाहियों की तरफ से, फिर बदतमीजी भरे अंदाज से पत्रकार के साथ व्यवहार किया जाता है और उसके बाद जब सवाल उठाते हैं कि गाड़ी में बिठाया गया और उसके बाद खाना पूर्ति के लिए दो महिला सिपाहियों को, इनको देखिए, इन्होंने बहुत मेहनत की, पसीना पोंछ रही हैं, पीड़ित परिवार के आंसू नहीं पोंछ पाए, अपना पसीना पोंछ रही हैं, ये हालात है यहां के। पुलिस की इस गाड़ी में वो पुलिस वाला भी मौजूद था जिसने हमारा लाइव प्रसारण रोका था, लेकिन उसे भी कोई शर्म नहीं आई, उल्टा वो हमसे ही बहस करने लगा। अभी तो आप खेल रही थी, जोर जबरदस्ती कर रही थी, करिए, क्या हुआ, ये गिरफ्तारी है क्या है, ये गिरफ्तारी है, बोलिए, गिरफ्तारी है, हिरासत है, बोलिए, आप ही फीड उठा रहे थे, इनका चेहरा दिखाइए, कौन, किसने उठाई लीड, क्या हुआ, किसने उठाई लीड, आप लाइव फीड खराब करते, बोलो, शो हिज फेस, चेहरा दिखाइए, लाइव है ये, हाँ ये लाइव फीड है, बताइए, आप अभी लाइव फीड से छेड़छाड़ कर रहे थे, कितने आपकी है, आपने की लाइव फीड से छेड़छाड़, किसी पर आरोप लगा दो, क्यों हटा रहे थे, तुम्हारा कैमरा है, हाँ, मना है, आरोप लगा दो, हाँ, तुम्हें क्या है, हाँ, आगे बोलिए, तुम मर्जी उस पर आरोप लगा दो, मैं आरोप लगा दो, दोषियों को क्लीन चिट दे रहे, आप क्या कह रहे हैं, किसी के ऊपर भी कैमरा लगा देते हैं और दोषी बता देते हैं, दोषी नहीं है इस मामले में कोई, कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्या हुआ, लाइव फीड से छेड़छाड़ क्यों कर रहे थे, तार हटाई आपने लाइव व्यू की, तार हटाई आपने मेरे सामने लाइव व्यू की। इसके बाद हमारी टीम को गांव के बाहर छोड़ दिया गया। भाग रहे, इधर दिखाइए, भाग रहे, हो गया काम, ऊपर हो गया, चलो विक्रांत की जो वहाँ के एसपी हैं, एक रिपोर्ट मांगी गई है, इनसे हमें जानकारी दी गई है कि एक बार रिपोर्ट आ जाए, उस रिपोर्ट में जो जो बातें लिखी गई हैं उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एबीपी न्यूज की मुहिम का असर हो गया है। मैं प्रतिमा आपको एक और जानकारी दे दूं कि 7 और पुलिस वाले भी सस्पेंड हुए हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर रैंक के, डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी भी। प्राइमरी रिपोर्ट आई है, उस प्राइमरी रिपोर्ट के आधार पर एसपी को और बाकी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। एक के बाद एक ये मैसेजेस देखिए, आप चलते चले जाइए, सोशल मीडिया है जहां पर एबीपी न्यूज की पूरी टीम को बधाइयां दी जा रही है। प्रतिमा मिश्रा ने जो सुबह से काम किया है उसे लेकर लोग बहुत ज्यादा अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि देश में दिख रहा है कि हाँ एक ऐसा चैनल है जो बेटियों के इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए आतुर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।